नमस्कार दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे अभी, ठीक है। इसमें इंडियन ज्योग्राफी में देखा जाए, इस समय हम लोग करेंगे बेसिकली PYQ करेंगे, और उसमें पहला थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जैसे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हम लोग करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इस समय इंडिया में स्टेट कितने हैं, 28 स्टेट हैं, और यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। कौन कौन से हैं ये सब हम लोग पढ़ेंगे, कौन लार्जेस्ट है, कौन स्मॉलेस्ट है, सारा। यहाँ पे थोड़ा सा आप फिगर देख सकते हैं, ये मैप है इंडियन का, इसमें स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया है कि 28 स्टेट इस समय प्रेजेंट में मौजूद है और 8 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए, अगर नया यूनियन टेरिटरी तो आप देख सकते हैं लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर है। तो यहाँ पे सब कुछ विजिबल है, थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं इस मैप का। इसमें देखा जाए लद्दाख, लद्दाख का जो हेड क्वार्टर है कह सकते हैं लेह है, ठीक है, लेह में है, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर का जैसा श्रीनगर और जम्मू हुआ करता था वैसे ही है। श्रीनगर क्या गर्मियों में इस कैपिटल हो जाता था और ठंडियों में जम्मू हो जाता है। उसके बाद इससे नीचे आते हैं मैप में, आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर जो कैपिटल है कह सकते हैं शिमला है। यहाँ पे देखते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में अगर उत्तराखंड का बेसिकली दो कैपिटल हो गया है, गर्मी और ठंडी का, ये आप लोग बताइएगा हमें कमेंट करके, ठीक है। इसमें देखा जाए देहरादून दिया हुआ है, लेकिन दूसरी राजधानी कौन है वो आप बताइएगा गर्मियों वाली, ठीक है। तो यहाँ पे पंजाब और हरियाणा का एक जॉइंट है, तो चंडीगढ़ है जो एक यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है। तो जैसे दिल्ली का न्यू दिल्ली हो गया, राजस्थान का जयपुर हो गया, ठीक है, गुजरात का गांधीनगर हो गया। गांधीनगर ऐसा स्टेट है जो किसी महान व्यक्ति के नाम पे पड़ा हुआ है, वो गुजरात का कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश है भोपाल हो गया, और उत्तर प्रदेश है लखनऊ हो गया, बिहार हो गया पटना हो गया, झारखंड हो गया रांची, ठीक है, छत्तीसगढ़ का रायपुर हो गया, ठीक है, और उड़ीसा भुवनेश्वर हो गया, ठीक है। और इधर आते हैं महाराष्ट्र, मुंबई हो गया, ठीक, और तेलंगाना हैदराबाद हो गया, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश प्रदेश का अमरावती हो गया, ठीक है। और यहाँ पे गोवा का पणजी है गोवा का, और कर्नाटक का बेंगलुरु हो गया, ठीक है, और केरला का माहे है, ठीक है, और लक्षद्वीप का करवाती है, ठीक है, और दमन एंड दीव, ये आप देख रहे हैं ये दमन और दीव है। और इधर आप आते हैं, अब यहाँ पे देखा जाए कि पुदुचेरी जो है यनम यहाँ पे है और आंध्र प्रदेश में, ठीक है, फिर पुदुचेरी यहाँ पे है जो तमिलनाडु में है, ठीक है, फिर एक पुदुचेरी मतलब इधर कराईकाल में है ये, ठीक है, कराईकाल में भी तमिलनाडु का है, फिर एक पुदुचेरी माहे है केरला में है। तो पुदुचेरी कहाँ कहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, ठीक। अब इधर आते हैं हम लोग थोड़ा सा नॉर्थ स्टेट के जो स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, उनके कैपिटल में थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है किसी किसी बच्चे को। जैसे देखा जाए सिक्किम का गंगटोक हो गया, ठीक है, और वेस्ट बंगाल तो ये कोलकाता हो गया, तो इधर असम हो गया, दिसपुर हो गया, मेघालय शिलोंग हो गया, ठीक है, और यहाँ पे त्रिपुरा का अगरतला हो गया, ठीक है, त्रिपुरा जो तीन साइड से बॉर्डर से इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है। मिजोरम अजेवल हो गया, ठीक है, मणिपुर इम्फाल हो गया, नागालैंड का कोहिमा हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का इटानगर हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा मोटा मोटा पता होना चाहिए, ठीक है, ये पूरा डिटेल में मैंने बताया। और यहाँ पे अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर हो गया, तो ये सारा। अब आते हैं थोड़ा सा
स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी यहाँ पे भी दिया है, आप देख सकते हैं, कोई भी मैप देख सकते हैं, वही सेम है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो नॉर्थ रीजन का है, जैसे आप देख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अब पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। सेंट्रल रीजन में छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश है। ईस्टर्न रीजन में बिहार और क्या है झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा है। वेस्टर्न रीजन में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र है। साउथ रीजन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल, तमिलनाडु है। ये देखा जाए एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, इससे डिवाइड किया गया है पूरे कंट्री को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, पुराना थोड़ा मैप है। तो आते हैं हम लोग अपने बात पे, जैसा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं स्टडी। तो सबसे पहले प्रेजेंटली देखा जाए इंडिया कंप्राइजेज ऑफ 28 स्टेट, ठीक है, एंड 8 यूनियन टेरिटरी। अब आते हैं न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली बिसाइड दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन इंक्लूडिंग सब रीजन ऑफ द फरीदाबाद, गुरुगांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवारी, ठीक है, झज्जर, पानीपत, पलवल, ठीक है, भिवानी और महेंद्रगढ़, जिंद, करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा सब रीजन, मेरठ और गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, बुलंद शहर, मुजफ्फर नगर, शामली और बागपत डिस्ट्रिक्ट अब उत्तर प्रदेश एंड अलवर और भरतपुर अब द राजस्थान। तो ये सब यूनियन टेरिटरी मतलब सॉरी ये सब एनसीआर के अंदर आता है। एनसीआर का आप इमेज देख सकते हैं। एनसीआर देखा जाए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमेशा पूछा जाता है। और ये जो ग्रीन ग्रीन है ये उत्तर प्रदेश का है, शामली, मुजफ्फर नगर हो गया, बागपत हो गया, मेरठ हो गया, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर ये सब। उसके बाद ये जो दिल्ली ये पूरा रेड है, और ये हरियाणा हो गया जिसमें करनाल, बाद पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, जिंद, भिवानी और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल यहाँ, ठीक है, फरीदाबाद, ये सारा दिया है। और इसमें कुछ देखा जाए राजस्थान का है, राजस्थान का जैसे अलवर हो गया और भरतपुर हो गया, यानी कि प्रपोजल रिस्ट्रक्टेड द रीजन विथ इन 100 किलोमीटर रेडियस ऑफ द राजघाट दिल्ली। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से द रीड्राइंग बाउंड्री विल एड डेवलपमेंट, जिसमें इस समय का दो एरिया देखा जाए 55,083 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर सॉरी टोटल है। तो इसी तरह से एससीआर बना है कहाँ पे आप बता सकते हैं, आगे हम लोग थोड़ा देख लेंगे। एससीआर कहाँ पे बना है, स्टेट कैपिटल टेरिटरी एससी टी मतलब एससीआर कह सकते हैं। तो स्टेट कैपिटल रीजन कहाँ पे बना है, उत्तर प्रदेश में बनाया गया डेवलपमेंट के बेस पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रजिस्टर्ड जनरल होम मिनिस्ट्री इन द टर्म ऑफ जियोग्राफिकल 5 लार्ज स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एरिया। तो जो होम मिनिस्ट्री ये सब रजिस्टर्ड करता है उसमें जो साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टेट लिखा हुआ, 5 स्टेट का जिक्र किया गया है। तो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान, इसमें 342,239 क्या है स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। मध्य प्रदेश का एरिया सेकंड है जिसमें 8,252 स्क्वायर किलोमीटर होगा, ठीक। महाराष्ट्र का 377,000
और 730 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश 240,928 स्क्वायर किलोमीटर है, 240,928 स्क्वायर किलोमीटर क्या है उत्तर प्रदेश का एरिया है। गुजरात का 196,244 स्क्वायर किलोमीटर। ये देखा जाए राजस्थान हो गया, उसके बाद एमपी हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, फोर्थ स्टेट है, उसके बाद गुजरात हो गया। ये एरिया के हिसाब से, वैसे तो पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश फर्स्ट आ जाएगा। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन 5 लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, इसमें यूपी हो गया, ठीक है, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक, आंध्र प्रदेश हो गया, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आगे चलते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश का ये मैप है, ठीक है, आप देख सकते हैं मैप उत्तर प्रदेश। अब लखनऊ एरिया यहाँ पे आप मिलाएंगे, अभी हम लोग जिक्र करेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश शेयर बाउंड्री विथ 8 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी, और वो भी दिल्ली, जैसा यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश है, इधर देखा जाए उत्तराखंड से, इधर नेपाल से इंटरनेशनल बाउंड्री है, इधर हिमाचल प्रदेश है, और मतलब इधर हरियाणा है, इधर दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी हो जाएगा, इधर राजस्थान एमपी, ठीक है, एमपी और मध्य प्रदेश यहाँ तक है, और इधर देखा जाए सोनभद्र एरिया छत्तीसगढ़ एमपी झारखंड बिहार तीनों से 1, 2, 3, 4 स्टेट से लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग जो 8 स्टेट है, उत्तराखंड हो गया, ठीक, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और बिहार हो गया। करंटली मध्य प्रदेश शेयर बॉर्डर विथ 5 स्टेट, करंटली मध्य प्रदेश 5 स्टेट से, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। अकॉर्डिंग टू आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2014, आंध्र प्रदेश शेयर बाउंड्री विथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, तो इससे शेयर करता है। उसके बाद तेलंगाना का देखा जाए शेयर बॉर्डर विथ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इफ़ एनम रीजन, यानी कि एनम रीजन क्या है, तेलंगाना, पुदुचेरी इज आल्सो टेकन कंसिडरेशन नंबर ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी बॉर्डिंग आंध्र प्रदेश विल कंसिडर एज ए 6 हो जाता है, अगर इसको कंसिडर किया जाता है तो, नहीं तो आगे आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक शेयर बाउंड्री विथ 6 स्टेट, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, गोवा, केरला और तमिलनाडु, ठीक है। केरला शेयर बाउंड्री विथ 2 स्टेट से, एक तो कर्नाटका हो जाएगा, दूसरा तमिलनाडु से ही शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद इफ माहे रीजन पौंडचेरी इज इंक्लूड द नंबर ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी बॉर्डरिंग, तो केरला विल 3 हो जाएगा, क्योंकि माहे जो है केरला में आता है और वो भी पुदुचेरी है। तो तमिलनाडु शेयर बॉर्डर विथ 3 स्टेट, इसमें केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आफ्टर इंक्लूडिंग पौंडचेरी नंबर या स्टेट यूनियन टेरिटरी तो 4 हो जाएगा, ठीक है, अगर दोनों पूछते हैं तो, स्टेट पूछते हैं तो 3 हो जाएगा। पंजाब शेयर बाउंड्री राजस्थान से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ शेयर इज बाउंड्री विथ उत्तर प्रदेश, ठीक है, और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, और जैसे झारखंड नॉर्थ ईस्ट का होगा, और आंध्र प्रदेश साउथ हो जाएगा, महाराष्ट्र वेस्ट हो जाएगा, तेलंगाना साउथ हो जाएगा। आप मैप देख के इसको स्टडी कर सकते हो। सेवन सिस्टर, अब सेवन सिस्टर की बात आती है, तो सेवन सिस्टर बहुत पूछा जाता है, और सेवन सिस्टर नॉर्थ ईस्ट की बात आती है, सेवन सिस्टर, तो सेवन सिस्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम हो गया,
मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया और त्रिपुरा। मीन्स इधर का नॉर्थ ईस्ट के स्टेट सिक्किम को छोड़ के सारे 7 स्टेट में इंक्लूड है। सबसे पहला अरुणाचल हो गया, दूसरा असम हो गया, तीसरा मेघालय हो गया, चौथा मणिपुर हो गया, पांचवा क्या हो गया, मिजोरम हो गया, छठा नागालैंड और सातवां त्रिपुरा हो गया। ये 7 सिस्टर कहलाते हैं, एक्सेप्ट कह सकते हैं आपका सिक्किम को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं असम इज़ सराउंडेड बाय 3 7 स्टेट, 7 सिस्टर वाले सारे वही हमारे पास असम को सराउंड करते हैं, नेमली वेस्ट बंगाल, ठीक है, और नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। तो इसमें देखा जाए वेस्ट बंगाल एक एक्स्ट्रा आ गया, तो कौन सा नहीं शेयर कर रहा तो आप बचा सकते हैं, जैसे असम को अरुणाचल प्रदेश तो कर रहा, ठीक है, 7 से मणिपुर कर रहा, त्रिपुरा कर रहा, ठीक है, और मेघालय भी कर रहा, मिजोरम भी कर रहा, तो कौन नहीं कर रहा ये हम पूछ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे 7 सिस्टर अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, और असम हो गया, और मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, क्योंकि ये सब 7 सिस्टर वाले तो करेंगे, 6 हो गए और एक वेस्ट बंगाल हो जाता है, इसलिए 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। द स्टेट कवर 22,327 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यानी कि 0.7% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द इंडिया। इट कंसिस्ट ऑफ 1,843 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द रिवर बेसन इज 8% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द मणिपुर, वेयर 92% ऑफ द एरिया हिली एंड माउंटेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए ये 7 सिस्टर हैं, और ये 7 सिस्टर को मतलब बहुत अच्छे से मैप है, तो ये असम हो गया, ये दिसपुर हो गया, ठीक है, असम दिसपुर हो गया इसकी राजधानी, और ये देखा जाए मेघालय है, मेघालय शिलोंग हो गया, ये वाला मेघालय है, ये त्रिपुरा है, बांग्लादेश यहाँ पे 3 साइड से है इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए, और मिजोरम है, बांग्लादेश के बॉर्डर से मणिपुर नहीं लगता है, ठीक है, ये मिजोरम हो गया, और ये नागालैंड हो गया, ये तीनों, और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये पूरा आपको याद रखना है, 7 सिस्टर, 7 सिस्टर में कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय असम हो गया सारे। तो अब देखा जाए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे फूमिड बहुत पूछा जाता है, फूमिड, फूमिड सीरीज ऑफ फ्लोटिंग आइसलैंड एक्सक्लूसिव ऑफ द लोकटेक लेक ऑफ द मणिपुर। फ्लोटिंग वाला जो आइसलैंड होता है उसे हम फूमिड कहते हैं, ठीक है। इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया दे आर मेड अप ऑफ द हेट्रोजीनियस मास ऑफ द वेजिटेशन और सॉयल ऑर्गेनिक मैटर इन डिफरेंट स्टेज ऑफ द डीके। मोर देन 80% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश कवर अंडर फॉरेस्ट्री, मोर देन 12% ऑफ इट फॉरेस्ट्री फॉल अंडर नेटवर्क ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए डिजर्ट ऑफ राजस्थान इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिजर्ट इन द वर्ल्ड विथ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ क्या हो जाए 83% पर स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ अबाउट 10,000 ईयर ओल्ड, हेयर ओनली 40,000 or 60,000 ऑफ एरिया सुटेबल फॉर फार्मिंग। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द इरीगेशन फैसिलिटी इट हैज रिजल्टेड इन द इंक्रीज ऑफ द नेट सोन एरिया विच हैज एडवर्सली अफेक्टेड एक्सटेंशन ऑफ द पॉस्चर एरिया टर्म ऑफ पॉपुलेशन। कर्नाटका स्टैंड ऑफ द एर्थ लार्जेस्ट वाइल द 6th largest स्टेट इन द टर्म ऑफ द एरिया, ठीक है। तो अब आते हैं आगे कर्नाटका, कर्नाटका नोन है सिलिकॉन स्टेट बोला जाता है, कर्नाटका को सिलिकॉन स्टेट बोला जाता है। ये ऑफ द इंडिया इट इज़ ए हब ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इन इंडिया, द सिलिकॉन वैली इंडिया निक नेम ऑफ द इंडियन सिटी ऑफ द बंगलुरु। तो बंगलुरु सिटी को हम लोग सिलिकॉन सिटी बोला जाता है, और सिलिकॉन स्टेट क्या है कर्नाटका को बोला जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, मल
मतलब मेलनाडु बोलता है, मेलनाडु माउंटेन रीजन ऑफ द कर्नाटका विच कवर बी डेंस ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये थोड़ा सा याद रखना। पटलैंड रीजन ऑफ द फाउंड इन छोटा नागपुर रीजन, हाई हिली पीक फाउंड रीजन ऑफ मैक्सिमम पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू लाई इन स्टेट ऑफ द झारखंड। पटलैंड रीजन वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड वाज फाउंड इन कुल्लूर माइन ऑफ द आंध्र प्रदेश, दैट इज वाई दिस इज स्टेट वाज कॉल्ड कोहिनूर ऑफ द इंडिया, बोला जाता है आंध्र प्रदेश को। अब आगे आते हैं विदर्भ। विदर्भ इज द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र। प्रेजेंटली देयर आर टू डिवीजन अंडर रीजन, जिसमें नागपुर होगा, अमरावती होगा। अब दिस रीजन इंक्लूड नागपुर, अमरावती, छोटा नाग, चंद्रपुर, अकोला, अकोला इसमें आ जाएगा, और वर्धा आ जाएगा, भूलधान आ जाएगा, यम तमाल आ जाएगा, भंद्रा आ जाएगा, गोंडिया आ जाएगा, वसीम आ जाएगा, और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र आ जाएगा। ये सब आ जाएगा, आप इसमें देख सकते हैं। आगे अब उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में देखा जाए हेड वगैरह जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में, तो अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखा जाए स्टेट कैपिटल रीजन बनाया गया, जैसे NCR के बेस पे जैसे नेशनल कैपिटल रीजन है उसी तरह से। तो स्टेट कैपिटल रीजन, स्टेट कैपिटल रीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? स्टेट कैपिटल रीजन में अब देखा जाए 8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैं। तो सबसे पहला तो डिस्ट्रिक्ट लखनऊ खुद है, पूरा एरिया है लखनऊ के साइड में, तो लखनऊ का पूरा कह सकते हैं सब पूरा लगभग एरिया, ठीक है। कानपुर नगर है, ठीक है, पॉपुलेशन इसका दिया है यहाँ। नंबर ऑफ 8 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इट विल कवर 3 करोड़, एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन बी सेपरेट 34,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये अब इसमें देखा जाए लखनऊ तो है ही खुद, लखनऊ हो गया, कानपुर नगर हो गया, सीतापुर हो गया, ठीक है, सीतापुर हो गया, फिर हरदोई हो गया, रायबरेली हो गया, बाराबंकी, उन्नाव हो गया, कानपुर देहात हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ, तो यहाँ पे लखनऊ देखा, ये पूरा उन्नाव हो गया, कानपुर नगर हो गया, कानपुर देहात यहाँ तक आ रहा है। वैसे तो लखनऊ से सटा हुआ आपका सीतापुर हो गया, सीतापुर हरदोई हो गया इधर, और इधर देखा जाए उन्नाव हो गया, और इधर रायबरेली हो गया, ठीक है, रायबरेली हो गया, और इधर रायबरेली हो गया, और बाराबंकी हो गया। ये है मतलब लखनऊ है, लखनऊ उसके साइड में कौन कौन से आ जा रहे हैं, साइड में आपको एक तो सीतापुर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए सीतापुर आ जाता है, ठीक है, दूसरा बाराबंकी आ जाता है, तीसरा आपका रायबरेली आ जाता है, और रायबरेली के बाद ये उन्नाव आ जाता है, उन्नाव हरदोई आ जाता है। ये कौन कितने यहाँ पे कह सकते हैं ज़िले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इसमें कितने ज़िले जो लखनऊ से एकदम सटे नहीं हैं, कौन कौन से, जैसे कानपुर तो है ना, कानपुर नहीं होगा क्योंकि उन्नाव के बाद कानपुर आएगा, तो कानपुर देहात, कानपुर नगर हो गया, और कानपुर देहात दो हो गए, और एक और है जो मतलब यहाँ पे नहीं है, कौन सा है, एक तो इसमें सीतापुर हो गया और ये हो गया, ठीक है, तीन होना चाहिए, हाँ एक तो लखनऊ खुद है, हाँ ये कानपुर देहात और कानपुर नगर, ये लखनऊ से सटा नहीं है, बाकी सब लखनऊ से सटे हुए हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। न्यूली फॉर्म SCR कंप्राइजेज डिस्ट्रिक्ट ऑफ लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, विथ टोटल एरिया 27,000, ठीक है,
826 स्क्वायर किलोमीटर रिपोर्ट न्यू एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे यूपी स्टेट कैपिटल रीजन बनाया गया है, जिसमें यूपी स्टेट कैपिटल रीजन कंप्राइजेज लखनऊ को लेके हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी इज फॉर्म कीपिंग माइंड द पॉपुलेशन प्रेशर एंड द कैपिटल सिटी सेट चीफ मिनिस्टर तो योगी आदित्यनाथ वी इनिशिएट प्रोजेक्ट सितंबर 2022। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब क्वेश्चन आते हैं, हम यूनियन टेरिटरी से को लेके क्वेश्चन करते हैं। लातूर, अब लातूर इज लोकेटेड ऐसे पूछ लेता है भाई, लातूर कहाँ पे है, लातूर इज लोकेटेड, तो लातूर किस जगह पे है, लातूर लोकेटेड, तो बता सकते हैं लातूर इज लोकेटेड, तो लातूर लोकेटेड कहाँ पे है। अब इसमें देखा जाए सबसे पहला क्वेश्चन, लातूर इज लोकेटेड, तो लातूर कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप जानते हैं महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में लातूर इज लोकेटेड। देखा जाए यहाँ पे अर्थ क्वेक आया था उसी समय का क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए महाराष्ट्र में, मतलब 93 में, ठीक है। विदर्भ इज रीजनल नेम ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ विदर्भ, अभी हमने विदर्भ के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया था ऊपर, तो महाराष्ट्र का भी है विदर्भ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द स्टेट, प्रेजेंटली देयर आर टू डिवीजन अंडर रीजन, जिसमें एक क्या होता है नागपुर होता है, नागपुर होता है एंड दूसरा अमरावती होता है, अमरावती, और दिस रीजन कंप्राइजेज, जिसमें नागपुर रीजन, अमरावती, चंद्रपुर हो गया, अकोल हो गया, वर्धा हो गया, ठीक है, और बुल्दान हो गया, यमुता माल हो गया, बांद्रा हो गया, गोंडिया हो गया, वसीम हो गया, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र, ये सब पाया जाता है। आप देखते हैं आगे, पट रीजन इज लोकेटेड, पट रीजन इज लोकेटेड, तो झारखंड में होता है पट रीजन, पट रीजन लोकेटेड बेसिकली देखा जाए छोटा नागपुर का है, छोटा नागपुर रीजन को बोलते हैं, छोटा नागपुर रीजन को, तो दिस रीजन इज हाई हिल होता है मैक्सिमम पार्ट ऑफ छोटा नाग प्लेटू और लाई स्टेट ऑफ झारखंड, तो झारखंड यहाँ पे आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है झुमरी तलैया, फेमस फॉर रिक्वेस्ट ऑफ द सॉन्ग ऑन रेडियो इज लोकेटेड इन विच स्टेट, वाह, तो झुमरी तलैया देखा जाए झारखंड है, और झुमरी तलैया बेसिकली कोडरमा का पार्ट होता है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में आता है झुमरी तलैया, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नोन एज कोहिनूर ऑफ द इंडिया, कोहिनूर ऑफ द इंडिया क्योंकि वहाँ पे कोलारू क्या है, कोलारू माइन है, और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्या निकाला जाता था, हीरा निकाला जाता था, इसलिए डायमंड निकाला जाता है, डायमंड, और एक कोहिनूर डायमंड था, तो इसलिए इसे स्टेट को ही हम लोग कोहिनूर ऑफ द इंडिया बोलने लगे हैं, जो आंध्र प्रदेश है। आगे मोस्ट ऑफ द ट्रोपोग्राफी ऑफ मणिपुर, मणिपुर में मेनली जो ट्रोपोग्राफी होता है वो कैसा है, माउंटेनियस है, माउंटेनियस, तो मणिपुर में बेसिकली माउंटेन है, और इसमें देखा जाए बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का है, स्टेट देखा जाए तो 22,237 स्क्वायर किलोमीटर है, और बेसिकली देखा जाए 0.7% क्या है टोटल एरिया ऑफ द इंडिया का है, और इसमें 8% कह सकते हैं टोटल रिवर बेसन है, रिवर बेसन हो जाएगा, और 92% हिली एरिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हिली एरिया, माउंटेन एरिया होगा। आगे क्वेश्चन 7 नंबर, सम पीपल ऑफ मणिपुर लाइव इन हाउस बिल्ट फ्लोटिंग आइसलैंड, ठीक है, और वीड और डिकिंग वेजिटेशन, मतलब हेट्रोजीनियस पार्ट होता है बेसिकली, टूगेदर बाय सस्पेंडेड सिल्ट, और इसको बोलते हैं हम लोग फुमिड बोलते हैं, फुमिड, ये बहुत पूछा जाता है, फुमिड क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस वेजिटेशन होता है, मास ऑफ हेट्रोजीनियस
masses of vegetation, heterogeneous masses of vegetation, जिसमें soil and organic matter होगा, organic matter, different state of decomposition that have been thickened solid from often लोकटक लेक भी पूछा जाता है कहाँ पे, तो मणिपुर में लेक, मणिपुर का फेमस है मणिपुर। और बेसिकली देखा जाए यहाँ पे होम ऑफ इंडेंजर्ड डियर भी पाया जाता है, जिसे हम लोग सांगरी बोलते हैं, एक इंडेंजर्ड डियर, इंडेंजर्ड डियर स्पेसी पाया जाता है, और इसका नाम है, क्या नाम है, संगाई, और संगाई इसका नाम है। और ये बेसिकली देखा जाए यहाँ मणिपुरी लैंग्वेज बोला जाता है, मणिपुरी लैंग्वेज। तो थोड़ा सा मणिपुर के बारे में आगे, विच स्टेट सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया, तो सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया क्योंकि वहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैक्सिमम कंपनियाँ हैं, ठीक है, आईटी सेक्टर की, इसलिए उसको हम लोग सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया बोलते हैं। और सिलिकॉन सिटी के नाम से देखा जाए किसको जाना जाता है, बंगलुरु को, और यहाँ पे कर्नाटक आ जाएगा, ठीक है, बंगलुरु सिलिकॉन सिटी। आगे चलते हैं, इट इज सेड दैट सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ही बंगलुरु हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, तो करेक्टली मैच में देखा जाए औरंगाबाद तो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, सही है, आंध्र प्रदेश में औरंगाबाद है। पालनपुर देखा जाए ये गुजरात का है, ये भी सही है, ठीक है। हुबली महाराष्ट्र का है, नहीं हुबली तो महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटका का है, कर्नाटका जो फेमस रहता है किसी वजह से उसी को। अब गुंटूर उड़ीसा का, ये सही है, तो ए आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यही करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली अरे यार बी आंसर हो जाएगा, ये तो ही ना, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, इनकरेक्ट लेके सोचने लगा, ठीक है। औरंगाबाद आंध्र प्रदेश का तो नहीं है ना, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है, महाराष्ट्र में है, ठीक। और पालनपुर गुजरात का, ये सही है। हुबली महाराष्ट्र का नहीं है, कर्नाटका का है, कर्नाटका। और गुंटूर जो है ये आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसा का नहीं है, तो आने की बी हमारे पास सही है, ठीक है आंसर, सॉरी थोड़ा सा दिमाग किधर चला गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, अब देखा जाए इसमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो सबसे पहला, अब यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच, तो छत्तीसगढ़ प्लेन बोला जाता है, ठीक है। झारखंड छोटा नागपुर प्लेटू बोला जाता है। महाराष्ट्र रेन शैडो रीजन बोला जाता है, नहीं तो ठीक है। आंध्र प्रदेश मलनंड बोला जाता है, तो आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये कर्नाटका का है, कर्नाटका, ठीक है, ये तो यही आ जाएगा, इस बाकी सब सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन लाई इन नेशनल कैपिटल रीजन, कौन सा इसमें नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर आता है, तो इसमें देखा जाए अंबाला। अब इसमें देखा नेशनल कैपिटल रीजन में 13 बेसिकली डिस्ट्रिक आते हैं, जिसमें फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, मेवात हो गया, रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, और नेरुल, भिवानी, जींद, करनाल, ये सब मतलब हरियाणा के 13 डिस्ट्रिक आते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश
एट डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यूपी के एट डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें, ठीक है। उसी तरह से राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें कुल मिला के। तो इसमें देखा जाए जो आंसर होगा बेसिकली ये तो आ ही रहा, ठीक है ठीक है। खुर्जा सिटी या बुलंद, करनाल भी है, रोहतक, अम्बाला नहीं आएगा, तो अम्बाला नहीं आएगा, बाकी यहाँ पे सही है, ठीक है। द नेशनल कैपिटल रीजन डज नॉट इंक्लूड, तो फन हरियाणा के तो 13 डिस्ट्रिक्ट है भाई, राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट, इसके 8 डिस्ट्रिक्ट, पंजाब का कोई नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रैंक इकोनॉमिकली एट द टॉप बट द लोएस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो, तो ऐसा क्वेश्चन तो देखा जाए हरियाणा के लिए पूछा गया है, तो यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ 4 टाउन सिटी 1 प्रोसीड फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, अब देखा जाए वेस्ट से लेके ईस्ट तक ये सिटी को अरेंज करना है, तो ये थोड़ा सा आपको टफ टास्क आ जाता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा आप करेंगे तो आ जाएगा। देखा जाए जैसे बीकानेर, बीकानेर राजस्थान का है, उसके बाद अलीगढ़ यूपी का है, दरभंगा ठीक है, दरभंगा आ जा रहा, दरभंगा कहाँ का है, बिहार का है। उसके बाद नौगांव है, नौगांव कहाँ, असम का हो गया। तो कुल मिला के बहुत दूर दूर का दिया रहता है, तो आपको यहाँ पे लग जाएगा, तो यही हमारे पास अरेंजमेंट हो गया, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश टच 7 स्टेट, सही है 7 स्टेट टच करते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। उसके बाद एज पर द एरिया व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ऑर्डर अरेंज कर लेंगे, जो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ए बी करके वो मैंने नहीं दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेते हैं, मान लीजिए ए हमने सही कर दिया, तो यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए बड़ा स्टेट जो एरिया के, राजस्थान है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो राजस्थान तो ऑप्शन में नहीं है ना, उसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश आ जाता है, एमपी आ जाता है, ठीक है एमपी आ जाता है, उसके बाद यानी कि थर्ड आ जाएगा, उसके बाद एमपी के बाद राजस्थान, यहाँ महाराष्ट्र आता है, फिर एमपी आता है, फिर उत्तर प्रदेश आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, फिर यूपी के बाद आपका आफ्टर बाइफरकेशन आंध्र प्रदेश, ठीक है आंध्र प्रदेश, फिर सबसे कम एरिया यहाँ पे बिहार हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, और इससे पहले आ जाएगा हमारे पास कहाँ, सब तो अरेंज हो गया, तो ये 4 अरेंज हो गए, यानी कि थर्ड यहाँ पे आंसर होगा, उसके बाद एमपी हो गया, फिर यूपी हो गया, यूपी तो नहीं दिया है इसमें, तो यूपी तो नहीं दिया, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश डी, 4 उत्तर प्रदेश, यहाँ पे 4 एक उत्तर प्रदेश देना चाहिए था, ठीक है तमिलनाडु दे दिया, तमिलनाडु का एरिया तो कम हो जाएगा, तो सबसे बड़ा तो थर्ड हो गया, फर्स्ट हो गया तमिलनाडु, फोर्थ डी जो लिखा है, इसके बाद सेकंड बिहार का सबसे कम हो जाएगा। द 3 लार्जेस्ट स्टेट इंडिया ऑर्डर ऑफ द एरिया, एरिया के हिसाब से यहाँ पे आपको करना है सेट, तो एरिया के हिसाब से यहाँ पे सबसे बड़ा एरिया राजस्थान का है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो ये थे लार्जेस्ट हैं, तो यही हो गया। एमंगस्ट ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया व्हाट इज द रैंक ऑफ यूपी एरिया, तो वाई तो 4th स्टेट होता है, ठीक है
और यूरिया का यूपी का एरिया के हिसाब से राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, और उसके बाद यूपी हो गया। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया रैंक सेकंड इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन, थर्ड इन टर्म ऑफ द साइज। ठीक है, तो इसमें देखा जाए महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। विच स्टेट इंडिया टच मैक्सिमम स्टेट बाउंड्री, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टेट बाउंड्री कौन टच करता है, तो आपको पता है 8 टच करता है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसमें। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एरिया, तो बीच में से देखा पीस लिए जाते हैं, तो इसमें आंसर तो छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो हम थोड़ा सा एरिया लिख दें, जैसे छत्तीसगढ़ का एरिया 135,092 स्क्वायर किलोमीटर, सारे स्क्वायर किलोमीटर में है। उसके बाद झारखंड आ जाएगा, झारखंड कितना है 179,176 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद हिमाचल एचपी आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक, उत्तराखंड यूके 53,483 स्क्वायर किलोमीटर आ जाएगा। ये आपका अरेंज हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, तो बार बार वही क्वेश्चन आता है। जियोग्राफिकल एरिया में देखा जाए सबसे बड़ा एरिया राजस्थान का हो गया, यानी कि फर्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कौन सा आता है, थर्ड महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र आ गया, ठीक है, थर्ड आ जाएगा। उसके महाराष्ट्र के बाद कौन आ जाता है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु आ जाएगा, तो यानी कि फोर्थ हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, तो सी ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द स्मॉलेस्ट इन द एरिया, सबसे छोटा इसमें एरिया में कौन है, तो उत्तराखंड सबसे स्मॉलेस्ट होगा। अबाउट 30% ऑफ द इंडिया एरिया लाइज इन 3 स्टेट, तो इसमें कौन कौन से में सबसे ज़्यादा, यानी कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, में पूरा इंडिया का 30% यही एक्वायर करते हैं। इन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड 12th लार्जेस्ट स्टेट इन द एरिया, तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए बिहार क्या होगा थर्ड, यूपी और वेस्ट बंगाल के बाद, शायद महाराष्ट्र के बाद ना, हाँ थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में तो बिहार आ जाता है हाईएस्ट डेंसिटी। उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बॉर्डर ऑफ द उत्तर प्रदेश, तो कौन कौन से स्टेट बॉर्डर, तो पंजाब तो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है नहीं है, बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड तो है ही है, तो ये ऑप्शन हो गया। हाउ मैनी स्टेट यूनियन टेरेटरी सराउंडिंग द स्टेट ऑफ द आसाम, तो हमने पढ़ा था अभी 7 वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब। उसके बाद छत्तीसगढ़ डज नॉट कॉमन बॉर्डर, तो छत्तीसगढ़ कॉमन बॉर्डर नहीं है, किसका, बिहार का कॉमन बॉर्डर नहीं है, ठीक है। विथ रिफरेंस टू इंडिया छत्तीसगढ़ कम अंडर द जियो मॉर्फोलॉजिकल रीजन, तो छत्तीसगढ़ जियो मॉर्फोलॉजिकल रीजन में आता है, कौन सा, पेनिनसुलर रीजन में आता है। एमंग द फॉलोइंग सिटी विच वन ऑन द हाइएस्ट अल्टीट्यूड मीन्स सी लेवल, ठीक है, तो बंगलुरु सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड में आता है। अब इसमें अल्टीट्यूड का देखा जाए थोड़ा सा 110 मीटर आ जाएगा, दिल्ली 218 मीटर आ जाएगा, जोधपुर क्या है कह सकते हैं 300 मीटर, नागपुर 312 आ जाता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द राजस्थान डिजर्ट,
use the code given, select the answer. It is the most densely populated desert in the world. सही है जी, पहला सही है. थर्ड desert, most densely populated desert in the world. ठीक है, इसका population बहुत ज़्यादा है. population अगर density देखा जाए तो 83, ठीक है, और पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होते हैं. ठीक है, तो पहला तो है. सेकंड देखा जाए, सेकंड में आपको इट इज़ अबाउट 10,000 ईयर ओल्ड, मेनली कॉज बाय एक्सेसिव ह्यूमन इन्फ्लुएंस. ये भी सही है. कुछ कुछ का हेयर ओनली 40-60% ऑफ एरिया सुटेबल फॉर फार्मिंग, मतलब 40-60% ही एरिया सुटेबल फॉर फार्मिंग, तो ये भी सही है. द इंक्रीजिंग इन नेट सोन एरिया एडवर्सली अफेक्ट द कवरेज ग्रेजिंग लैंड, तो ये भी सही है. तो फोर्थ तो ऐसा ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सारे इसमें सारे करेक्ट हैं. ठीक है, करेक्ट कोड हमें सेलेक्ट करना था. एमंग द फॉलोइंग सिटी विच वन लाइज ऑन लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ द दिल्ली. लॉन्गिट्यूड ऐसे दिल्ली के क्लोजेस्ट कौन है, तो कह सकते हैं दिल्ली के क्लोजेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा तो बंगलुरु है, मतलब इस लाइन में जैसे दिल्ली है ना, तो बंगलुरु इसी के आसपास है. ऐसा लॉन्गिट्यूडनल पूछा है. ए पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, जिसमें फर्स्ट इट इज लोकेटेड ऑन सेम लेटिट्यूड विच पास थ्रू नॉर्थन राजस्थान. ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा किस स्टेट के फॉल, नॉर्थ राजस्थान. इट हैज 80% ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, ओवर 12% ऑफ द फॉरेस्ट कवर कंस्टिट्यूट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन द स्टेट. तो ये अरुणाचल प्रदेश का दिया है, क्योंकि अगर देखा लैटिट्यूड अरुणाचल प्रदेश का ही जाएगा, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश का एक ही होगा. ठीक है, विच स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ 7 स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, तो मेघालय वेस्ट बंगाल नहीं होगा इसमें, बाकी तो सिक्किम भी नहीं होता है, तो सिक्किम भी ढूंढना चाहिए आंसर में. आगे चलते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सुंदरबन मैंग्रोव लोकेटेड, तो सुंदरबन मैंग्रोव तो लोकेटेड वेस्ट बंगाल में है, आप जानते हैं यहाँ सुंदरी पेड़ होता है, इसीलिए इसको सुंदरबन बोला जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ आंध्र स्टेट व्हेन इट इज मेड सेपरेट स्टेट 1953 आंध्र का, तो कौन सा स्टेट, कुरनूल पड़ा था, कुरनूल. ठीक है, इसका देखा जाए काफ़ी कहानी है, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अभी आगे जब हम उस तरह से डिस्कस करेंगे तो कर लेंगे. जैसे मान लीजिए इसी में से आपको तेलंगाना भी बन गया. ठीक है, और कैपिटल जैसे डिफैक्टो कैपिटल सिटी के रूप में टेनियर कर रहा, तो ये सब चीज़ कहानी आप जान सकते हैं. विच स्टेट इज कंट्री हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ओके, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट होगा. जैसे एमपी में देखा जाए 52 डिस्ट्रिक्ट होता है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में आते हैं तो 36 डिस्ट्रिक्ट होगा, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में 38 डिस्ट्रिक्ट है, और उत्तर प्रदेश में यूपी में 75 है. ठीक है, 2011 सेंसन में तो 71 था, फिर बन के 75 हो गया मैक्सिमम यहीं पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, डिस्ट्रिक्ट में जियोग्राफिकल एरिया में लार्जेस्ट टर्म तो कौन सा होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कच्छ डिस्ट्रिक्ट को ही बोला जाता है, कच्छ सबसे बड़ा है. कच्छ हो गया, लेह हो गया, जैसलमेरपुर, बाड़मेर. सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट इज टच बाय, बहुत इम्पॉर्टेंट, हमने अभी ऊपर सर्किल किया था, तो सोनभद्र 4 स्टेट से टच होता, कौन कौन सोनभद्र, एक तो एमपी से, दूसरा छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, ये तीनों
फोर स्टेट से ये टच होता है। आगे क्या, आउट ऑफ द फोर साउदर्न स्टेट, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, विच शेयर बाउंड्री विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट, फोर स्टेट में सबसे मैक्सिमम कौन शेयर करता है ये पूछ रहा है। तो इसमें देखा जाए ईच ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका कह सकते हैं ये मैक्सिमम शेयर करता है, सी ऑप्शन। तो इसमें कर्नाटका बाउंड्री और आंध्र प्रदेश का ये आप सिक्स मतलब शेयर करता है, तो आप देख सकते हैं ऊपर मैंने पढ़ाया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप स्टेट बॉर्डर स्टेट तेलंगाना, तेलंगाना का कौन कौन से बॉर्डर है, क्योंकि न्यूली स्टेट बना है तो उसके बॉर्डर के बारे में आपको जानना है। तो तेलंगाना से लगा हुआ बॉर्डर देखा जाए तो एक तो आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटक है, और इधर से नॉर्थ वेस्ट साइड महाराष्ट्र है, फिर इधर नॉर्थ ईस्ट साइड के तरफ से छत्तीसगढ़ है, तो ये पहला ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो त्रिपुरा का तो कैपिटल अगरतला है, मणिपुर का ऐजवाल है, मणिपुर का ऐजवाल है, मणिपुर का ऐजवाल कैपिटल, मणिपुर का तो कैपिटल इम्फाल होता है भाई, ठीक है। मिजोरम का ऐजवाल होता है, मिजोरम का मी जोरम के ऐजवाल कैपिटल मैच करा रहे हैं, और मणिपुर का तो इम्फाल हो जाता है, अरे मणिपुर का मणिपुर अभी मणिपुर इम्फाल, नागालैंड कोहिमा हो गया, अरुणाचल प्रदेश इतनगर हो गया, ये सही है, तो ये बी नहीं सही है, बी आंसर हो गया। कैपिटल ऑफ द गुजरात तो गांधीनगर होता है, कैपिटल ऑफ द राजस्थान तो जयपुर, ठीक है। इतनगर इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट तो अरुणाचल प्रदेश का हो गया, ठीक। कैपिटल ऑफ द 26th स्टेट ऑफ द इंडिया, अब 26th स्टेट ऑफ द इंडिया इस तरह से पूछ रहे हैं, कैपिटल ऑफ द 26th स्टेट ऑफ इंडिया, तो इसमें हैदराबाद, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन करेक्टली मैच है, तो मिजोरम का ऐजवाल है, जैसे असम का तो दिसपुर हो गया भैया, दिसपुर गलत हो गया, मेघालय का दिसपुर नहीं है, मेघालय का शिलांग हो गया, लॉन्ग मिजोरम के ऐजवाल हो गया, नागालैंड का तो कोहिमा, तो नागालैंड भी तो मैच ही है, नागालैंड कोहिमा ये हम मैच मैच कर देते हैं, गुवाहाटी कर देते हैं, तब ये सही हो जाएगा, भी नहीं तो ये दोनों सही होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लान्ड कैपिटल सिटी, ठीक है, तो इसमें बंगलुरु प्लान्ड कैपिटल सिटी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे कैपिटल स्टेट और कैपिटल मैच कराना है, स्टेट हो गया, स्टेट और कैपिटल, तो असम का देखा जाए दिसपुर हो गया, नागालैंड का कोहिमा हो गया, अरुणाचल प्रदेश का इटानगर हो गया, मेघालय का शिलांग हो गया। रीजनिंग असर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, रीजनिंग असर्शन से, तो देयर इज वेरी स्मॉल नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया, क्या ये सही है, सही है, मतलब शेड्यूल कास्ट नहीं होते, ज़्यादातर एसटी होते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडिया है वेरी स्मॉल परसेंट ऑफ द एरिया अंडर कल्टीवेशन, तो अगर देखा जाए ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग बात है, दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा।
फिर मैच करना है स्टेट और कैपिटल, तो स्टेट और कैपिटल तो असम है, दिसपुर हो गया, ठीक है, मिजोरम अजवाल हो गया, गुजरात तो गांधीनगर हो गया, मणिपुर इम्फाल हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसमें देखा जाए यूनियन टेरिटरी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो हमारे पास ये पार्ट यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी ख़त्म हो जाएगा। यूनियन टेरिटरी में देखा जाए प्रेजेंटली बार बार बोल रहे हैं कि 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। अब यूनियन टेरिटरी 8 कौन कौन सा है ये बहुत ज़रूरी है, और किस किस पोजीशन पे है ये भी ज़रूरी है। मैप में आप देख सकते हैं, हम मैप यहाँ पे रखे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है 8 यूनियन टेरिटरी। सबसे देखा जाए दिल्ली, सबसे हम लोग फेमस जानते हैं, चंडीगढ़ हो गया दिल्ली के पास, लक्षद्वीप हो गया, और यहाँ पे देखा जाए दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये पूरा एक हो गया। पुदुचेरी हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया। ये तो ये 8 यूनियन टेरिटरी हैं, सबके हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है और किस पोजीशन पे है ये भी आपको याद रखना है। जैसा देखा जाए इसके बारे में थोड़ा सा, पुदुचेरी देखा जाए तो कई जगह पे आ गए। एक तो हमारे पास आंध्र प्रदेश में आ जाएगा, जिसको हम लोग या नाम बोलते हैं, या नाम पहला। दूसरा देखा जाए यहाँ पे दूसरा केरला में आ जाएगा, केरला, केरला में, और केरला में क्या है इसे हम लोग माहे बोलते हैं, माहे बोलते हैं, ठीक है। ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में एक पुद्दुचेरी भी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा इसमें एक और है कराई काल भी बोला जाता है, कराई काल। तो ये पुदुचेरी देखा जाए एक जगह अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में माहे बोला जाता है, तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराई काल बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो यूनियन टेरिटरी है, ये भी यूनियन टेरिटरी जहाँ पे आपको चुनाव होता नज़र आएगा, ठीक है। रिसेंटली जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, और ये लक्षद्वीप हो जाएगा, पुदुचेरी हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, ये यूनियन टेरिटरी। तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर द ग्रुप ऑफ आइसलैंड एट द जंक्शन ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी, ठीक है। यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार आइसलैंड लोकेटेड कहाँ पे, 6 डिग्री टू 14 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 90 टू 94 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये लेटीट्यूड हो गया, ये लॉन्गिट्यूड। द एरिया लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द 10 डिग्री लेटीट्यूड इज कॉल्ड अंडमान आइसलैंड, एरिया लोकेटेड 10 डिग्री मतलब नॉर्थ, तो निकोबार हो गया, मतलब 10 डिग्री चैनल इसको क्या करता है, सेपरेट करता है, हम लोग पढ़े हैं। और इसमें देखा जाए 150 लगभग किलोमीटर ये डिस्टेंस होता है। एरिया अंडमान एंड निकोबार 8,249 स्क्वायर किलोमीटर होता है। पॉपुलेशन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार तो 3,80,581 होता है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2010। और इसमें फोर अगर देखा जाए नेग्रोटिक ट्राइब पाए जाते हैं फाउंड अंडमान एंड निकोबार, नेमली ग्रेट अंडमानीज पाया जाता है पहला, जारवा पाया जाता है, दूसरा ओंगे पाया जाता है, सेंटिनेलेस पाया जाता है, और पोर्ट ब्लेयर क्या है यहाँ का कैपिटल है, और अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर क्या है कैपिटल ऑफ अंडमान है निकोबार। लद्दाख इज द लार्जेस्ट एरिया एमंग द यूनियन टेरिटरी में सबसे लार्जेस्ट एरिया लद्दाख कब हो गया, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट एरिया। चंडीगढ़ एंड द नेबरिंग रीजन बिकम यूनियन टेरिटरी नवंबर देखा जाए 1966। दिस कैपिटल देखा जाए चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब का ज्वाइंट कैपिटल है। एरिया चंडीगढ़
स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन है 10 लाख के करीब, मतलब 11 लाख कह सकते हैं। अब उसके बाद देखा जाए दादर एंड नगर हवेली, वाज सराउंडेड बाई स्टेट ऑफ द गुजरात महाराष्ट्र, इट हैज टू पार्ट, पार्ट फर्स्ट वन इज दादर होगा एंड अनदर इज नगर हवेली बोला जाता है। द एरिया ऑफ दादर एंड नगर हवेली इज 491 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन है वही 3.5 लाख के करीब, सेंसस 2011 के। दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट ऑफ दमन अरबियन सी एंड कोस्टल बॉर्डर ऑफ द महाराष्ट्र एंड गुजरात, दीव अदर मतलब सौराष्ट्र कोस्टल, दमन कैपिटल, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो इसमें दमन क्या है, एक कैपिटल है इसका, तो पहले तो अलग अलग यूनियन टेरिटरी था, अब एक बना दिया गया, ठीक है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द इंडिया यूनियन टेरिटरी, द एरिया ऑफ दिल्ली कह सकते हैं 1483 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है आप जान ही रहे हैं। दिल्ली इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, और एरिया के हिसाब से लद्दाख है। लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया इन ए टर्म ऑफ द एरिया, ठीक है, 32 स्क्वायर किलोमीटर है। अपार्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ लक्षद्वीप इज आल्सो लोवेस्ट, यानी कि कह सकते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से भी लोएस्ट है, कह सकते हैं 64 यानी 70,000 लगभग वहाँ पे पर्सन होते हैं। और इसमें 36 आइसलैंड अंडर द लक्षद्वीप, इसमें से 10 ही के जगह पे इनहेबिटेंट रहते हैं लोग, और करवाती इसका कैपिटल है लक्षद्वीप का, ये आपको याद रखना है। पुदुचेरी डिवाइडेड इनटू 4 सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, 2 ऑफ इज द कैरेकाल एंड पुदुचेरी, कहाँ पे है, तमिलनाडु में, सिचुएटेड इन तमिलनाडु। एन एम क्या है, आंध्र प्रदेश में, और माहे क्या है, केरला। दिस पॉपुलेशन 490 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन वही 13 लाख के करीब। पुदुचेरी कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब दिया है, ये माहे हो गया, केरला हो गया, ये पुदुचेरी ये कैपिटल हो गया कुल, कैरेकाल हो गया ये तमिलनाडु का भी है, और एन्नम ये भी पुदुचेरी का है। ये 4 जगह है जहाँ पे इसका डिस्ट्रिक्ट के मैप है। अब बेसिकली हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं पीटी के हिसाब से, थोड़ा सा प्रैक्टिस। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, तो अगर देखा जाए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इस समय, तो हमारे पास एक क्वेश्चन बहुत पुराना है, तो 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो 8 यूनियन टेरिटरी तो कोई ऑप्शन नहीं, तो इसमें कोई नहीं, आप याद रखिएगा इसको 8 यूनियन टेरिटरी। अब आएगा तो 8 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, पुदुचेरी हो गया, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। इसमें लद्दाख एरिया के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट होगा, और पॉपुलेशन के हिसाब से दिल्ली सबसे लार्जेस्ट होगा, और स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से दोनों क्या है, आप समझ सकते हैं कि लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप देखा 36, उसमें आइसलैंड होता है, उसमें 10 ही इनहेबिटेंट है, 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है, लगभग 70,000 पर्सन होते हैं, द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ यूनियन। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, अब यहाँ पे लार्जेस्ट पूछ लिया, तो अब हमने बोला अभी पॉप एरिया के हिसाब से तो लद्दाख हो गया, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से दिल्ली होगा, तो हमने दिल्ली कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो हमारे पास है एरिया के हिसाब से भी दिल्ली आ सकता है, जैसे दिल्ली का एरिया कितना है, 1483 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और इसके बाद पुदुचेरी का 490 स्क्वायर किलोमीटर आ जाता है, और दमन देखिए अब यहाँ दमन दीव वगैरह सब मिक्स था, ठीक है, तो यहाँ पे 111 आ जाएगा स्क्वायर किलोमीटर, चंडीगढ़ का 114 स्क्वायर किलोमीटर आप जानते हैं। चलिए विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया, सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, तो अभी हमने बात किया, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लक्षद्वीप हो जाएगा, 32 स्क्वायर किलोमीटर में ही है, ठीक है, और इसका 70,000 लगभग क्या है कह सकते हैं पर्सन यहाँ पे, ठीक। आगे चलते हैं,
एमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरी व्हिच वन इज द लीस्ट अर्बनाइज, सबसे कम अर्बनाइज, लीस्ट अर्बनाइज, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं लीस्ट, सबसे कम अर्बनाइज। तो सबसे कम अर्बनाइज देखा जाए तो अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि वहाँ सारे ट्राइब हैं, तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन सबसे कम है। अगर हम लोग देखा जाए यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन तो चंडीगढ़, ठीक है, 97 पॉइंट, मतलब कि अर्बनाइजेशन का देखा जाए न्यू दिल्ली, ठीक है, तो लगभग सबसे ज़्यादा हो जाएगा न्यू दिल्ली, तो इसमें 97.50, और चंडीगढ़ 97.25 हो जाए पूरा, और सबसे कम अर्बनाइज का दमन, अरे ये अंडमान और निकोबार। टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी डिवाइडेड इन द स्टेट, कौन कौन से स्टेट में है, तो हम लोग अभी पढ़े थे यानम क्या है, सराउंडेड बाय आंध्र प्रदेश से, ठीक है, एपी से, पुदुचेरी एंड कराईकाल, ये दोनों तमिलनाडु से, एक माहे आता है, माहे ये सराउंडेड केरला, तो ये पूरा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु हो गया और केरला हो गया, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु केरला, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो गया। आगे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूनियन टेरिटरी, इसमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो त्रिपुरा थोड़ी यूनियन टेरिटरी, ये भी यूनियन टेरिटरी, ये भी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट दमन एंड दीव, दमन एंड दीव के रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट बताना है, तो दमन और दीव के रिस्पेक्ट में, इट वाज अंडर ब्रिटिश प्रोसेशन आफ्टर इंडिपेंडेंट, ये बात क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंट, ठीक। तो इसमें देखा जाए हमें क्या ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला पूछ रहा है इट वाज अंडर ब्रिटिश प्रोसेशन आफ्टर इंडिपेंडेंट, क्या ये बात सही है, ये बात नहीं सही है। गुल्फ ऑफ कंबत इज लोकेटेड बिटवीन दमन एंड दीव, तो ये बात सही है, कैपिटल दमन दीव का दमन था, तो इसमें दूसरा ये आ जाएगा आपसे, दमन दीव जो है जब क्वेश्चन आ रहा तब यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया का था, अब इसको मिला दिया गया है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दमन एंड द अरबियन सी कोस्टल लाइन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड दीव सौराष्ट्र और कोस्टल ऑफ द गुजरात, ये कैपिटल क्या है, दमन है, गुल्फ ऑफ कंबत लोकेटेड बिटवीन दमन एंड दीव में है, दमन एक्वायर पुर्तगीज फन शाह ऑफ द गुजरात देयर आर आफ्टर रूल ऑफ पुर्तगीज, जब तक थे मतलब टिल 1961 में गए हैं तब तक के मतलब था, ब्रिटिशर के अंदर नहीं था ये, ब्रिटिश पुर्तगीज के अंदर था। सिलवासा इज द कैपिटल कहाँ का है, तो दादर नगर हवेली का सिलवासा कैपिटल, अब ये क्वेश्चन नहीं क्योंकि अब दादर नगर हवेली दमन दीव मिस हो के दमन एक कैपिटल बन गया, ठीक। पार्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ कंट्री नॉट इंक्लूड नेशनल कैपिटल रीजन, तो इसमें मध्य प्रदेश थोड़ी आता है इतना दूर। विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया लोवेस्ट सेक्स रेशो एज पर 2011, तो कह सकते हैं दमन एंड दीव इसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनियन टेरिटरी, तो गोवा यूनियन टेरिटरी नहीं है, बाकी है सारे, तो यूनियन टेरिटरी वाले क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हमें ट्राइब और स्पेसी करना है, ठीक है, ये वाला नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।